इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि आप जो है सैमसंग के मोबाइल फोन में आप जो है स्क्रीन लॉक कैसे हटा सकते हैं। अगर आपके मोबाइल फोन में कोई भी पैटर्न लॉक, पिन लॉक या फिर पासवर्ड लॉक लॉक जो है लगा हुआ है, तो अगर आप इसे हटाना चाहते हैं कैसे हटाएंगे, चलिए इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आप जाएंगे सैमसंग मोबाइल फोन के सेटिंग्स में, फिर यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी का, या सिर्फ आपको लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिल सकता है या सिक्योरिटी का भी ऑप्शन मिल सकता है। तो कोई सा भी ऑप्शन मिले, लॉक स्क्रीन सिक्योरिटी या फिर लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी, आपको इस पर क्लिक करना है। इसमें दोस्तों आप नीचे आएंगे तो इसमें आपको एक सेटिंग मिल जाएगा स्क्रीन लॉक टाइप का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आपने अपने अपने मोबाइल फोन में जो भी लॉक लगा रखा होगा, पैटर्न लॉक, पिन या फिर पासवर्ड लॉक, तो वो जो है आपको यहाँ पर मांगा जाएगा, तो वो जो है आप यहाँ पर डाल दीजिए। मैंने पैटर्न लगा रखा है तो चलिए हम जो है यहाँ पर पैटर्न लॉक डाल देंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्वाइप का और दोस्तों नन का। तो अगर आप चाहते हैं कि हम जो है ऊपर की ओर स्वाइप करके जो है स्क्रीन को अनलॉक करने वाला सेटिंग रखें, तो आप यहां से स्वाइप को सिलेक्ट रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे फोन में कोई भी लॉक नहीं हो, तब आप यहां से नन को सिलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद आप यहां यस रिमूव पर क्लिक कर दीजिए, तो आपके फोन में कोई भी लॉक नहीं रहेगा। जैसे देखिए अब मैं अपने फोन को यहां पर पावर बटन दबाकर स्क्रीन को ऑफ करता हूं, फिर ऑन करने के लिए पावर बटन को दबाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पर कोई भी लॉक नहीं लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप जो है सैमसंग के मोबाइल फोन में आप स्क्रीन लॉक हटा सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।